Hi everyone. Hello. And welcome back to our channel. So today we are fully enjoying our weekend. और आप देख सकते हो हम यहाँ पे आके अच्छा खासा पीसफुल जगह में बैठ गए हैं, बिल्कुल रिवर के साइड में. और हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. सो आज का हमारा टॉपिक है हाई डिमांड जॉब्स इन कैनेडा. सो हम आपको एक एक करके कैनेडा के अभी के 2023 के हाई डिमांड जॉब्स के बारे में बताएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे क्या अप्लाई कर सकते हो उस जॉब्स को लेके. सो इसमें जो सबसे नंबर वन पे आता है वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब्स. आपको पता होगा कनाडा में बहुत सारी ओपनिंग्स रहती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लेके, और ये डिफरेंट स्टोर डिफरेंट कंपनीज के को लेके रहती है. और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो आप स्टूडेंट भी हैं या आपने 12th पास किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई करने के लिए. और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में भी दो क्राइटेरिया होता है, एक होता है सिर्फ कमीशन बेस्ड जॉब और एक होता है कमीशन विद बेस पे. तो अगर आप कमीशन बेस पे अप्लाई करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही चाहिए और थोड़ा बहुत कमीशन से आपका आपको लगता है कि आपका एक्सपेंसेस पूरा हो जाएगा, तो आप कमीशन बेस्ड जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे टेलर्स रॉजर शॉ है और भी और फ्रीडम एनर्जी मार्केट की है, एन मैक्स एंड डायरेक्ट एनर्जी, यहाँ पर बहुत सारी यूटिलिटीज़ की जो भी हैं उनमें बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो उनमें भी फिक्स कमीशन के साथ साथ आप बेस पे भी, बेसिकली कमीशन बेस्ड होती है जॉब, बहुत सारा कमीशन बेस भी रहता है और बहुत सारा बेस पे के साथ भी रहता है. तो अगर आप कमीशन पे सिर्फ ढूंढ रहे हो तो आपको वो जॉब जल्दी मिलेगी, बट अगर आप बेस पे ढूंढ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट ये भी बहुत हाई डिमांड जॉब है. तो आप उसको लिंक्डइन या इंडीड में सर्च करके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट टेलर्स रॉजर शॉ फ्रीडम जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उस पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिलेक्शन और इंटरव्यू का चांसेस ज़्यादा रहता है. तो कमीशन बेस्ड जॉब में जल्दी इंटरव्यू होने का चांसेस रहता है और जॉब भी आपको जल्दी मिलने की चांस रहती है, बट उसमें डिमेरिट ये है कि आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा, बट फिक्स पे के साथ मिलना थोड़ा टाइम लगता है, एक दो महीने, बट हाँ वो भी आपको बहुत एक अच्छा डील रहेगा क्योंकि उसमें कमीशन के साथ साथ आपको बेस पे भी मिल रहा है. तो ऐसे ही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में आपको यहाँ पे कनाडा में बहुत सारी जॉब मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. और इसके साथ ही जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यू कैन अप्लाई फॉर फंड रेजिंग जॉब ऑल्सो. सो ये आप फिल्टर कर सकते हो लिंक्डइन में और इंडीड में जाके फंड रेजिंग जॉब, तो आपको ऐसी बहुत सारी ओपनिंग मिलेगी. फंड रेजिंग जॉब का बेनिफिट क्या है, क्योंकि उसमें आपको बेस पे पक्का मिलता है. फंड रेजिंग जॉब में आपका एक फिक्स बेस पे होता है, साथ ही साथ आपका कमीशन भी रहता है. तो और अभी वो बहुत डिमांड में भी है फंड रेजिंग जॉब. आपको बस क्या करना है, आपको एक कंपनी से एसोसिएट होना है जो आपको हायर करेगी, और वो आपको एक एनजीओ से रिलेटेड आपको एनजीओ के बिहाफ में आपको फंड रेज करना है, तो आपको वो कमीशन भी मिलेगा जितने लोग फंड देते हैं, और आपका एक बेस पे भी बनता है. तो ये आ गया आपका फंड रेजिंग जॉब अंडर सेल्स एसोसिएट, ये भी बहुत हाई डिमांड में है. अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे जॉब की तरफ जो कि है स्टोर एसोसिएट जॉब, और उसको आप कह सकते हैं ये काइंड ऑफ सेल्स एसोसिएट भी रहता है, या तो आपको डेजिग्नेशन क्लर्क वगैरह का भी मिल सकता है स्टॉक. उसमें वो करना क्या रहता है, कैशियर भी, स्टोर मैनेजमेंट, आपको स्टोर मैनेज करना है और आपको कस्टमर को सर्विस देनी, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ फाइंड करने में, और आपको स्टॉक्स की देखरेख करनी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं. जैसे कि आपका वॉलमार्ट में हो गया, और हो गया आपका सेफवे बेल्ट लाइन में, और हो गया आपका रियल कैनेडियन स्टोर, कैनेडियन टायर, देन आपकी आईकिया, और जो भी बड़ी बड़ी मॉल्स हैं उसके अंदर भी, जिनके जिनके खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं, चेन ऑफ आउटलेट्स हैं वहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारी अवेलेबल है कैनेडा में. और हमने कुछ बड़ा बड़ा जाइंट को मेंशन करा है, उसमें बहुत सारी अवेलेबल जॉब्स अवेलेबल होती है. बेस्ट बाय के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के अंदर भी, बेस्ट बाय बहुत बड़ी यहाँ पे मार्केट है, बहुत बहुत बड़ी स्टोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की. फिर आपके शॉपर्स ड्रग मार्ट, वो भी बहुत बड़ी होती है, हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वो भी. देन वी टॉक अबाउट सोबिस्को है, ये बहुत ह्यूज स्टोर्स रहती हैं और इसका चेन रहता है ऑलमोस्ट हर सिटी में, 5-5, 6-6 चेन्स रहता है मिनिमम, और 10-15 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिटी. तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज अ स्टोर एसोसिएट. और उसमें भी अगर आप मैनुअली अपने रेज्यूमे लेके जा रहे हो, आप जैसे अपना प्रिंट करके रेज्यूमे आप स्टोर में आप चाहते हो कि ड्रॉप करना, तो आपको उसमें स्पेसिफिकली एक चीज़ मेंशन कर देना होगा दैट यू आर ओके विद द नाइट शिफ्ट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि
लोग नाइट शिफ्ट को मेंशन करना भूल जाते हैं और जो ओपनिंग रहती है वो आजकल नाइट शिफ्ट्स के लिए ज़्यादा रहती है। हो क्या रहा है ना कि एक्चुअली डे शिफ्ट में ऑलरेडी लोग ऑक्यूपाइड है और उनके पास लोग ऑलरेडी हैं, तो अगर आप एज अ स्टोर एसोसिएट जैसे वॉलमार्ट वगैरह में जा रहे हो या रियल कैनेडियन सुपर स्टोर या सेफ पे, तो स्पेसिफिकली मेंशन कर देना जिसको आप रेज्यूमे अपना दे रहे हो या उसके ऊपर लिख देना बोल्ड करके कि आई एम ओके विद द नाइट शिफ्ट्स, क्योंकि बहुत सारी नाइट शिफ्ट्स के लिए ओपनिंग अभी आ रही है, बहुत डिमांड में है नाइट शिफ्ट जॉब्स फॉर द स्टोर एसोसिएट। और एक चीज़ है कि आपको आप अपने रेज्यूमे मतलब आप ऑनलाइन तो अप्लाई करोगे और उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप ऑफलाइन जाओ स्टोर्स में और आप मैनेजर को जाके वहाँ पे जो भी स्टोर्स के मैनेजर तो उनको दो। अगर आप कस्टमर सर्विस डेस्क पे जा किसी और को हैंडल करोगे अपने रेज्यूमे तो वो बहुत कम चांस रहता है कि वो मैनेजर तक पहुँचे, वो होता है कि वो साइड रख देंगे। तो आप मिलो डायरेक्ट मैनेजर को ताकि आपके रेज्यूमे थोड़े आगे बढ़े और आपको उसका कुछ रेस्पॉन्स मिले। और मेंशन कर देना दैट यू आर ओके विद द नाइट शिफ्ट, या तो ऊपर में बोल्ड से लिख देना कि आई एम ओपन विद द नाइट शिफ्ट्स, क्योंकि नाइट शिफ्ट्स अभी बहुत डिमांड में है। बिल्कुल। और दूसरी है तीसरी पॉइंट और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज बेसिकली ऑन द ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। यहाँ पे कनाडा में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और वेदर इट्स डिफरेंट डिफरेंट, आप कुरियर सर्विस की बात करो, अगर फेडएक्स है, प्योरलेटर है, यूपीएस है, देन आपकी अमेजन ऊबर की बात करें, अमेजन है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कस्टमर को डिलीवरी करती है। अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखो, अगर आप एम्बुलेंस हो मे भी जो भी सेक्टर है, सब में तो आपको ट्रांसपोर्ट ड्राइवर चाहिए ही होते हैं, तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पहले तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है करेक्ट क्लास का। अगर आप कॉमर्शियल ड्राइवर हो तो यहाँ पे डिफरेंट क्लास की लाइसेंस होती है कनाडा में, हर एक प्रोविंस का अपना अपना कैटेगरी है उसके लिए, तो आपको करना पड़ता है, तो वो बहुत लोग को टाइम लगता है ना वो चीज़ करने में, सब ऐसे ही नॉर्मली नहीं चला सकते, एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे उसकी बहुत बड़ी मार्केट है ट्रांसपोर्ट की, तो वो एक बहुत अच्छा जॉब हो सकता है। और आप अगर ट्रेंड आप स्किल ड्राइवर हो अपने कंट्री में, बस आपको यहाँ पे आके लाइसेंस लो, देगा गुड टू गो, और जॉब्स बहुत ज़्यादा। जो फोर्थ हाई डिमांड जॉब है वो है रिसेप्शनिस्ट की कनाडा में, या मैं अपने प्रोविंस की बात कर लूँ अल्बर्टा कैलगरी में, बहुत सारी रियल स्टेट्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और वो बहुत ह्यूज नंबर में रिसेप्शनिस्ट हायर करते हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ फीमेल, मेल भी हायर करते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है आपका, या तो आप स्टूडेंट हो, 12 पास हो, या तो ग्रेजुएट हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत डिमांड में है अभी, और क्योंकि समर भी आ गया है अभी, और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है रियल स्टेट की जब बिल्ड होकर न्यू रेडी हुई है, तो दे आर हायरिंग फॉर रिसेप्शनिस्ट, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और उसका सोर्स है लिंक्डइन, तो आप लिंक्डइन में जा सकते हो और इंडीड में भी जा सकते हो और सर्च कर सकते हो रिसेप्शनिस्ट जॉब, तो आपको बहुत सारी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और आपको चांसेस भी है कि आपको कॉल जल्दी आ जाए। और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी अवेलेबल, जिसके फ्रंट डेस्क पर एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है कि हाँ जॉब आपको मिल जाएगी। पहले क्योंकि पहला रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो पहले कस्टमर को जो भी लोग आते हैं उनको वेलकम करना, उनको बताना कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, व्हाट्स योर पर्पस, और क्योंकि आप जगह जगह पे इंटरव्यू देते हो और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जो भी बड़ी स्टूडियोज़ होती है, सारे जगह पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब अवेलेबल होती है। और हम जो कि यहाँ पे देख रहे हैं लोग अभी बहुत ट्राई करके बहुत जगह पे लोग आराम से इजीली वो ले पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, वी कैन गो फॉर दैट। जो फिफ्थ हमारी जॉब है जो कि बहुत हाई डिमांड में है करंटली, वो है कस्टमर सर्विस ऑन कॉल जॉब्स। ऐसी बहुत सारी जॉब्स है जो ऑन कॉल या चैट भी बोल सकते हैं आजकल, यहाँ पे चैट भी बहुत मैं देखा हूँ, कस्टमर सर्विस चैट के थ्रू भी रिजॉल्व हो रही है, चैट भी, बट हाई नंबर में मैंने ऑन कॉल की जॉब, कॉलिंग जॉब्स देखी एज अ कस्टमर सर्विस। हर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 10-15 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको लिंक्डइन में, इंडीड में बहुत सारी कंटिन्यूस ऑन कॉल कस्टमर सर्विस जॉब मिल जाएगी, और उसमें बहुत सारी 80% वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी है फ्रॉम कनाडा, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा निकल रही है। और उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन, या तो आप स्टूडेंट हो, 12 पास हो, या तो आप ग्रेजुएट हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, कम्युनिकेशन और कस्टमर फोकस, कस्टमर की आप क्वेरी को समझ पाओ, या विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप उसको रिजॉल्व कर पाओ, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मल्टीपल लैंग्वेज में भी रहता है, फ्रेंच में भी रहता है, स्पेनिश में भी रहता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप उस लैंग्वेज के लिए, आपको पता है कि आपको आता है वो लैंग्वेज, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज देर आर मल्टीपल ऑफ ओपनिंग फॉर कस्टमर सर्विस ऑन कॉल पीपल।
जो सिक्स्थ हाई डिमांड जॉब है, जो कि सबको बेसिकली सब इस पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो है रिक्रूटर की जॉब कनाडा में. क्योंकि बहुत सारी ऐसी हायरिंग होती है, या तो आप सेल्स एसोसिएट की देख लो, या तो आईटी की देख लो, या तो स्टोर एसोसिएट देख लो, तो बहुत लोग एजेंसी के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं. ऐसा जॉब है रिक्रूटर का, वो ऑल टाइम ओपन रहता है, क्योंकि इसके थ्रू ही डिफरेंट डिफरेंट हायरिंग्स होती है. सो डेफिनेटली यू कैन चेक एंड गो फॉर एचआर रिक्रूटर जॉब. यहाँ पे देखा कि बेसिकली स्क्रीनिंग जो रिक्रूटर ही करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है वो पहले वही लोग करते हैं, एक कॉल सेटअप कर देते हैं, ताकि वो आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट कराया है वो आप मीट कर रहे हो कि नहीं, देन फर्दर टेक्निकल राउंड्स और जो भी उनको करना हो तो वो सेटअप करते हैं. तो यहाँ पे वो बहुत इन डिमांड है. जैसे कि मैं एग्जांपल हूँ मैन पावर की, तो मैन पावर में हमेशा रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स हमेशा रहती हैं. और आईटी रिक्रूटर की बात करो तो वो भी हमेशा रहती है यहाँ पे, उनके थ्रू ही सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जस्ट लाइक ऑफ एचआर की फर्स्ट हैंड एसोसिएट्स काइंड ऑफ. इनफैक्ट इनके एक फ्रेंड की ही वाइफ उसमें है, मैन पावर में है, तो ओपनिंग्स वगैरह रहता है, आप चेक कर सकते हो. मैन पावर में भी हमने देखा है, और सब भी डिफरेंट एजेंसीज जो रिक्रूट करती है डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन को. तो ये एवरग्रीन जॉब है एचआर रिक्रूटर का, या आईटी रिक्रूटर, या डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटर, तो आप इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो. जो नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज वेब डेवलपर. आपको पता है कि ऐसे भी ये जॉब हर एक कंट्री में डिमांड में होती ही है, कि बिना वेब डेवलपर के आप इंटरैक्टिव यूआई और यूएक्स के बना नहीं सकते. उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, खास करके अगर पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोग ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस और कस्टमर फोकस हो चुके हैं, तो वेब डेवलपर्स की डिमांड और बढ़ती जा रही है. तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, जेएस वगैरह ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो, और आपको अच्छी नॉलेज है, ऑब्वियसली यू कैन गेट अ गुड जॉब हियर. और पे स्केल अगर बात करूँ उसकी, तो पे स्केल भी काफ़ी अच्छी होती है, बट आपको जस्ट अपने को टाइम थोड़ा देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल एक दो तीन राउंड हो सकती है. मे बी आपको छोटा सा प्रोजेक्ट करने दें, वो प्रोजेक्ट भी आप करोगे, उसके बाद एक राउंड होती है नॉर्मल टेक्निकल, एंड यू कैन यूर गुड टू गो. तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. वेब डेवलपर्स, आप कभी भी अगर आप कुछ कोर्स भी करके आए हो, या अपने आप वेबसाइट्स अगर कुछ आप खुद से भी डिज़ाइन करो, आपकी खुद की गिटहब अकाउंट है, तो आप वो भी शोकेस कर सकते हो. उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कैच मिलता है, और इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ी आसान होती है, और चांसेस ज़्यादा होते हैं हायरिंग के. अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हाई डिमांड जॉब की तरफ, जो कि है एवर ग्रीन अगेन, और वो है सिक्योरिटी जॉब. आपको पता होगा कनाडा में स्पेशली सिक्योरिटी जॉब का जो बेस पे है वो और सब जॉब के कंपेरेटिवली में थोड़ा हाई होता है, तो आप उसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी समर्स भी है, सो दे आर हायरिंग इन मास, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है. तो आप सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. बस उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ पे लाइसेंस बनवानी होती है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं. बट आप अगर वो कर लेते हो तो आपकी जॉब पक्का गारंटीड रहती है, क्योंकि वो एक ऐसी जॉब है जो कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है ऑल टाइम. सो सिक्योरिटी. बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जॉब के ऊपर, जो है हेल्थ केयर, और कनाडा में ये काफ़ी डिमांड में रहती है हेल्थ केयर जॉब. बट इसमें भी एक क्राइटेरिया रहता है कि वो ढूंढते हैं कि आपने अपना हेल्थ केयर असिस्टेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया है कि नहीं. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम रहती है हेल्थ केयर को रिलेट करके, तो आप उसको अगर कंप्लीट कर लेते हो यहाँ के, तो आपकी जॉब श्योर शॉट रहती है ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ केयर जॉब्स काफ़ी डिमांड में रहती है. तो वो आप चेक कर सकते हो. अगर ऐसा हो सकता है कि विदाउट असिस्टेंट प्रोग्राम के बिना भी अगर वो आपको रिक्रूट करते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने अगर असिस्टेंट प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो ये आपका जो हेल्थ केयर का जॉब है वो फिक्स हो जाता है. सो देर आर लॉट्स ऑफ ओपनिंग इन हेल्थ केयर जॉब, तो वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड स्पेशलिस्ट. दो अभी मार्केट थोड़ी स्लो डाउन है, और जॉब्स ऐसे इजीली नहीं मिल रही, बट स्टिल दे आर इन डिमांड, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं रहता है कि जॉब्स होगी नहीं, मार्केट में हमेशा स्लो डाउन रहेगा और रिसेशन रहेगा, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, और कनाडा में ऑलमोस्ट जो भी बड़ी बड़ी आईटी जायंट्स हैं वो हर जगह अवेलेबल है. इनफैक्ट लोग डेपुटेशन में आते ही हैं ऑन वर्क परमिट, उसके साथ साथ यहाँ के बेस हायर्स भी होती है. अगर आप बिग जायंट्स की बात करें तो टाटा, इन्फी और एक्सेंचर, कॉग्निजेंट सारी अवेलेबल है, उसके साथ साथ डेलॉइट वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है. तो बिजनेस एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेदर इट्स आईटी, आईटीबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ऑन कॉल सपोर्ट ऑफ डिफरेंट क्लाइंट लोकेशंस, वो बहुत ज़्यादा रहता है. पे स्केल भी इन पे वैरी करता है, डिपेंड ऑन योर रोल्स एंड प्रोफाइल और आपकी कंपनी और आपकी एक्सपीरियंस, कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो एचआर के साथ, अपने आप को कैसा प्रोजेक्ट करते हो, ताकि आप कैसा प्रोफाइल ले सको और आप अपना अर्न कर सको, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर.
बट जॉब्स अवेलेबल हैं, देयर इज अ स्लो डाउन और मैनेजर्स आईटी रिक्रूटर के साथ साथ स्पेशली मैंने ये नोट किया है कि जो 10 ईयर एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एज ए आईटी मैनेजर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर. तो मैनेजरियल रोल के लिए बहुत सारी ओपनिंग है और स्पेशली इफ योर 10 ईयर एक्सपीरियंस और मोर देन दैट तो आपके लिए बहुत सारी ओपनिंग्स है यहाँ पे. और हाँ, हम ये चीज क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो भी हमने बताया है वो हमने जो करंट एक्सपीरियंस किया है ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है. हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमने जितना कुछ नोटिस किया रियल टाइम में जो ऑब्जर्व किया दूसरों को भी दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल है और जो लोग है जो हमारे हम जिनके साथ अभी जुड़े हुए हैं उस कम्युनिटी से हम बात करते हैं और हमारे रेजिडेंशियल लोकेशन पे भी बहुत सारे लोग हैं या जो इंडिया से यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ थोड़ा हमारा उठना बैठना घूमना फिरना भी होता है. सो दीज आर ऑल आर लाइक एक्सपीरियंसेस और हमारा ऑब्जर्वेशन भी है. बेसिकली हमारा अपना एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि आपके करंट सिनेरियोस में कौन कौन सी जॉब हाई डिमांड में है. तो वी कांट गारंटी 100% ऑफ गेटिंग द जॉब्स इन ऑल दिस फील्ड्स, बट या दिस जॉब्स इन आर हाई डिमांड. और ये डिफर भी करते रहता है सिनेरियो टू सिनेरियो, किस किस सर्कमस्टांसेस में क्या डिमांड में है. जैसे ऑयल नेचुरल गैस हमने मेंशन नहीं करा, जैसे यहाँ पे खासकर कैलगरी में ऑयल नेचुरल गैस में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है और पे भी बहुत अच्छा होता है. तो वो बेसिकली हमने बस जनरलाइज किया कनाडा को, बट कैलगरी में वो जॉब थोड़ी ज़्यादा होती है. बट क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे जॉब सर्च किया है और मेरा वो एक्सपीरियंस रहा है 3 महीने का, तो उसके थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सब जॉब अभी हाई डिमांड में है. सो यू कैन डेफिनेटली लुक आफ्टर दीज जॉब्स. तो ये था हमारा आज का वीडियो. होपफुली अगर आप यहाँ आ रहे हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. या आपको लगता है आपको कोई भी रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल. सो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं. टिल देन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. बाय बाय. हैव अ हैप्पी डे.